हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपाची जैसी बाइक में गियर लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी तरीके के गियर लगाने के बारे में बताऊंगा। कई सारे ऐसे बाइक होते हैं जिसमें कि हम गियर लगाना नहीं जान पाते हैं, या कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ अलग कंपनी की बाइक आती है और हम गियर लगाने में थोड़ा सा अटपटा हमें लगता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इसमें किधर से गियर लगता है और किधर से गियर कम हो जाता है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बाइक में कभी भी आप गियर आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑल टाइप्स यानी कि सभी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसमें गियर लगाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो पहले के समय में बाइक आती थी, जो पुराने टाइप्स की बाइक होती थी, उसमें क्या होता था, गियर लगाने का सिस्टम पीछे गियर लगता था और आगे गियर कम हो जाता था। यानी कि पीछे आप जैसे ही पुश करेंगे, दबाएंगे तो आपका गियर लगना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4, और जैसे ही आप आगे दबाएंगे तो आपका गियर कम हो जाएगा। यानी कि अगर 4 के गियर में आपकी बाइक है तो 3 2 1 ऐसे कम हो जाएगा। उसी के बाद जब लेटेस्ट बाइक आने लगी तो उसी सिस्टम को उल्टा कर दिया गया, यानी कि अब आगे गियर लगता है और पीछे कम हो जाता है। अब इसी गियर सिस्टम को थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया और जो दोनों तरफ गियर लगता था उसी गियर को केवल एक तरफ कर दिया गया। यानी कि जैसा कि आप अपाची जैसी बाइक में देखते होंगे, उसमें जो गियर लगाने का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब कि जो पहले के सिस्टम थे वो उसको बदल के केवल एक साइड में कर दिया गया है। जो लोग पुराने बाइक चलाने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक अपाची नहीं चलाया है या जिनको वैसी बाइक चलाने का हैबिट नहीं है, वो जब अपाची उनको दिया जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि इसमें गियर किधर लगता है और किधर कम होता है, इसमें न्यूट्रल कैसे होता है, कुछ नहीं पता चल पाता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही उन्होंने एडवांस कर दिया है, बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। पहले की तुलना में अब अपाची जैसी बाइकों में जो गियर लगाने का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज़ बता दिया कि जो पहले के समय में बाइक आती थी उसमें गियर पीछे लगता था और आगे कम होता था, और उसके बाद जब बाइक लेटेस्ट थोड़ी सी हुई बाइक तो उसमें गियर आगे लगने लगा और पीछे कम होने लगा। लेकिन अब अपाची जैसी बाइकों में जो गियर लगता है वो सीख लीजिए कि अपाची जैसी बाइक में गियर कैसे लगता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, अपाची जैसी बाइक में गियर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपनी बाइक को न्यूट्रल में लाइए। बाइक को न्यूट्रल में कैसे लाना है, अब तो आपको पता नहीं है कि अपाची में गियर कैसे लगता है, तो बाइक को न्यूट्रल में कैसे लाएंगे आप। सबसे पहले आप बाइक को ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मान लीजिए आपका पैर है, आप गियर पे आप ऐसे पैर रखिए और नीचे ऐसे दबाते जाइए, और जो आपका हेड है ना ऊपर बाइक का, जो हेड है जहाँ पे सारे इंडिकेटर चलते हैं, वहाँ पे आप देखिए कि न्यूट्रल लिखा आ रहा है कि नहीं, यन ग्रीन कलर में यन लिखा आ रहा है कि नहीं। जब तक नहीं आए तब तक दबाते रहिए, ठीक है। जब पूरा एकदम नीचे दब जाए और फिर भी यन लिखा नहीं आए तो आप अब ऊपर दबाइए, उसी पैर को आप गियर के नीचे से लगाइए और ऊपर एक दबाइए, फिर देखिए न्यूट्रल आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो फिर एक दबाइए, फिर देखिए न्यूट्रल आया कि नहीं। जब तक न्यूट्रल ना आ जाए तब तक आप ऊपर करते रहिए, और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बाइक में न्यूट्रल लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि अब आपकी बाइक न्यूट्रल में आ चुकी है। अब न्यूट्रल में जब आपकी बाइक आ चुकी है तो आपको पता ही है कि न्यूट्रल में कोई बाइक नहीं चलती है, न्यूट्रल में बाइक नहीं चलती है, क्योंकि ना ही उसको स्पीड मिलता है और ना ही उसको पावर मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो बाइक केवल न्यूट्रल में है। न्यूट्रल इसलिए है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका जो गियर सिस्टम है वो बिल्कुल जीरो पे है, उसमें कोई गियर नहीं लगा है, बाइक में कोई स्लेटर नहीं दे रहा है, बाइक एकदम केवल, हाँ, बाइक स्टार्ट है। यानी कि न्यूट्रल से ये पता चलता है कि बाइक आपकी स्टार्ट है, अब चलने के लिए तैयार है। तो न्यूट्रल में आप अपनी बाइक को ला दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, उसमें आपको फर्स्ट गियर लगाना है। सबसे पहले आप बाइक पे बैठ जाइए, उसके बाद आप उसमें फर्स्ट गियर लगाइए। फर्स्ट गियर अपाची के बाइक में कैसे लगता है, या अपाची जैसे जितने भी ऐसे गियर हैं उसमें गियर कैसे लगाना है, मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है, पैर है और नीचे आपका गियर है, ठीक है, गियर है, उसके गियर के ऊपर आपने अपना पैर रख लिया। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल नीचे की ओर दबाना है, आपको एकदम पूरा नीचे दबाना है, ठीक है, न्यूट्रल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बाइक न्यूट्रल में ज़रूर रखना है। उसके बाद पूरा नीचे करिए, जैसे आप पूरा नीचे करेंगे तो आपकी बाइक में एक का गियर लग गया। उसके बाद आप क्लच आराम आराम से छोड़िए और स्लेटर आराम से दीजिए, आपकी गाड़ी एकदम आराम से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है दोस्तों, थोड़ी दूर जाने के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि इसके गियर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो गियर बढ़ाने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, आप एक का गियर नीचे लगा चुके हैं, अब आपको यही जो पैर है आपका ये ऊपर से हटा के नीचे की ओर लेके आइए, ठीक है, ऊपर से हटाइए, नीचे लाइए। अब नीचे ला दिया आपने पैर, गियर के नीचे आपने पैर लगा दिया, अब उसको ऊपर की ओर उठाइए। जैसे ही आप एक बार ऊपर करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल में आ जाएगी। अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपने न्यूट्रल से एक के गियर में जाने के लिए क्या किया था, अपनी बाइक को गियर को नीचे किया था,
जैसे आपने नीचे किया तो आपकी बाइक में एक का गियर लग गया, तो आप जैसे ऊपर करेंगे तो आपकी बाइक में न्यूट्रल लगेगा ही लगेगा सिंपल, क्योंकि उस जगह पे न्यूट्रल है तो आपकी बाइक न्यूट्रल में आ जाएगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, न्यूट्रल में आ गए तो बाइक आपकी रुक नहीं जाएगी, बाइक चलती रहेगी, बाइक स्टार्ट रहेगी। अब आपको करना क्या है, फिर एक बार ऊपर प्रेस करना है तो आपका जो बाइक है वो दो के गियर में आ जाएगी। अब दो के गियर में आ गए तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे तो आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद आप फिर से नीचे से आप एक बार और दबाएंगे तो तीन के गियर में, फिर चार के गियर में, फिर पाँच के गियर में, यानी कि आपको नीचे से ऊपर अगर आप करेंगे तो आपका गियर बढ़ता चला जाएगा और ऊपर से नीचे करेंगे तो आपका गियर कम होता चला जाएगा। इस तरीके से सिंपल आप अपाची जैसी बाइक में गियर लगा सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ कि अगर आपको अपाची जैसी बाइक में गियर लगाना है तो एक का गियर आप सबसे पहले ऊपर से नीचे लगाएंगे, ठीक है, पूरा नीचे कर दीजिए, आपका एक का गियर लग जाएगा। उसके बाद नीचे से ऊपर करते जाइए, ठीक है, जैसे आप नीचे से ऊपर करते जाएंगे आपका गियर बढ़ते चला जाएगा। अब आप मान लीजिए अचानक आपको बाइक रोकनी है या आप अपनी बाइक को रोकना चाहते हैं, न्यूट्रल में लाना चाहते हैं, तो न्यूट्रल में कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपकी बाइक अब पांच गियर में आ चुकी है। तो सिंपल, जो पैर आपका नीचे लगा हुआ है गियर को, अब उसको निकालिए और ऊपर लेके आइए, ठीक है, ऊपर लेके आइए। आपका गियर पाँच के गियर में है तो उसको आप न्यूट्रल पे लाने के लिए पाँच से ऊपर से दबाइए, ठीक है, ऊपर से दबाएंगे चार, ठीक है, फिर दबाएंगे तीन, फिर दबाएंगे दो, फिर दबाएंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल आ गया। अब आपकी बाइक में न्यूट्रल का गियर आ गया है, क्योंकि आप जैसे ही फिर एक बार नीचे करेंगे तो आपका जो बाइक है वो एक के गियर में चली जाएगी। यानी कि इस तरीके से आप अपाची जैसी बाइक में गियर लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अभी भी थोड़ा बहुत कम समझ रहे हैं, आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर आप समझ लीजिए, ठीक है, एक बार फिर क्लियर समझ लीजिए। सिंपल आपको करना क्या है, अपाची की बाइक को न्यूट्रल में लाना है, ठीक है, न्यूट्रल में कैसे लाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो ट्रिक आप इस्तेमाल करिए। उसके बाद आपको पैर ऊपर रखना है और एक बार पूरा जोर से दबा देना है, जैसे आप दबाएंगे आपकी गियर नीचे चला जाएगा और नीचे जैसे ही जाएगा वो एक के गियर में लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अपाची में या अपाची जैसे जितने भी गियर होते हैं उसमें एक का गियर नीचे दिया होता है, ठीक है, नीचे नीचे करेंगे एक का गियर, नीचे करेंगे एक का गियर। उसके बाद अब आपको दो तीन चार गियर लगाने के लिए अब आपको अपना वही पैर नीचे से गियर में लगाइए और ऊपर उठाइए। जैसे आप ऊपर उठाएंगे एक बार न्यूट्रल में आपकी गाड़ी चली जाएगी, फिर एक बार ऊपर उठाएंगे तो दो का गियर लगेगा, फिर एक बार ऊपर उठाएंगे तीन का, फिर चार का और फिर पाँच का, यानी कि नीचे से आप उठाते जाइए पाँच तक गियर लेके जाइए। अब सेम गियर को कम करने के लिए, यानी कि गियर बढ़ाने के लिए आप नीचे से पैर लगाए थे, अब गियर को कम करना है आपको, तो पैर को ऊपर लेके आइए और नीचे दबाना शुरू करिए। जैसे आप नीचे दबाएंगे एक एक बार तो आपका गियर कम होता चला जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बाइक न्यूट्रल में आ जाएगी। न्यूट्रल में जैसे ही आए तो आप वहाँ पे गियर छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आप एक बार नीचे करेंगे तो आपकी बाइक एक के गियर में चली जाएगी। यानी कि नीचे से गियर ऊपर अगर आप करेंगे तो गियर लगता है और ऊपर से नीचे करेंगे तो गियर कम होता है। एक और दो के गियर के बीच में इसमें न्यूट्रल दिया है। और सब बाइक में क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए चार का गियर लगाया है और उसको कम करना है तो आप एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे दबाएंगे, जब चारों गियर कम हो जाएगा तो आपकी गाड़ी में न्यूट्रल आ जाता है। लेकिन अपाची जैसे गियर सिस्टम में एक और दो, इन दोनों के बीच में न्यूट्रल का ऑप्शन दिया है, यही बस आपको समझना होता है और कुछ समझना नहीं होता है। यानी कि कई लोगों को बस यही समझ में नहीं आता है कि गाड़ी को न्यूट्रल में कैसे लाएं। तो एक गियर और दो गियर के बीच में ही आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि नीचे से आप जैसे ऊपर उठाएंगे तो न्यूट्रल लग जाएगा और फिर एक बार ऊपर उठाएंगे तो दो का गियर लग जाएगा। यानी कि फिर ऊपर से नीचे करेंगे, यानी कि आप दो के गियर में फिर नीचे करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा और फिर नीचे करेंगे तो एक का गियर लग जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसको आप प्रैक्टिस के साथ देखिए, ठीक है। आप अपनी बाइक पर बैठ जाइए, प्रैक्टिस करिए, ईयरफोन लगा लीजिए, मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और इसको प्रैक्टिस करिए। जिन लोगों को नहीं आता है वो एक से दो बार प्रैक्टिस करेंगे, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे अपाची में गियर लगाते हैं। बाइक के ऊपर मैंने और भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और बाइक चलाना सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक बाइक सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही कई सारी वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप बाइक अच्छे तरीके से सीख सकें। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं आपकी वहाँ पर भी हेल्प करता हूँ और कई सारी ऐसे इमेज आपके साथ शेयर करता हूँ।